ये हमारा नैनो यूरिया का बोतल है जो 500 मिलीलीटर का है, आधा लीटर का है। ये एक बोरी यूरिया को रिप्लेस करेगा, एक एकड़ खेत के लिए यह पर्याप्त होगा। साथ में इसके उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण से बचत हो रहा है, जल प्रदूषण से बचत हो रहा है। ये उपज बढ़ाने का एक साधन है, दूसरा जो उत्पाद की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने का साधन है, और इससे खेती की लागत भी घट जाती है। नमस्कार साथियों, गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है, और आज हम बात करेंगे नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया क्या है, किस तरह से खेतों में काम करती है, कैसे वो किसानों के लिए हितकारी है, वो क्यों लाई गई, क्यों 45 किलो बोरी की जगह 500 ग्राम का एक पैकेट लाया गया, किस तरह से वो आपके लिए हितकारी है, क्यों आपको फ़ायदा देगी, वो कहाँ कहाँ पे आपको फ़ायदा देगी, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँगा मैं तिवारी से, एक लंबा समय जो है उन्होंने लैब से लेके और किसानों के बीच तक दिया है, और वही बताएंगे कि क्या है फ़ायदे इसके और कैसे कैसे। आपको बहुत ध्यान से बातें सुननी है, समझनी है, क्योंकि दोनों विशेषज्ञ जो हैं वो ना सिर्फ खेती किसानी के बल्कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसके महारथी हैं। सर स्वागत है आपका गाँव कनेक्शन के। धन्यवाद शुक्ला जी। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की खुराक पूरी करने के लिए आप मुख्य रूप से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि जो आप यूरिया प्रयोग करते हैं उसका बमुश्किल 40-50% भाग वो फसल उपयोग कर पाती है। खरीफ की फसलें जो हैं उसका 25-30% उपयोग कर पाती हैं। अगर आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं तो मुश्किल से खरीफ की क्रॉप जो है 25% लेती है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो 75% बचा वो या तो हवा में गैस रूप में बन करके उड़ जाता है, या जब पानी की अधिकता होती है तो वो फसलों की जड़ के नीचे चला जाता है जिससे उसका उपयोग नहीं हो पाता। अब नैनो यूरिया का आविष्कार इन्हीं सारे दोषों को दूर करने के लिए किया गया है कि जो हम नाइट्रोजन नैनो यूरिया से फसल को दें उसका पूरा उपयोग फसलें कर सकें। और चूँकि ये जो नैनो यूरिया तरल है इफको का, जो कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में आ गया है, इसका प्रयोग हम पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से करते हैं, और छिड़काव के लिए 2-4 मिलीलीटर 1 लीटर में, जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें 30-60 किलोग्राम फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता के अनुसार वो वेरी करता है। तो जब हम इसको पत्तियों पर छिड़काव कर देते हैं तो सारा का सारा नाइट्रोजन जो है वो जो पत्तियों के स्टोमेटा और फ्लोएम है उससे इसकी साइज जो है बहुत छोटी रहती है, जिससे सीधे पत्तियों में प्रवेश कर जाता है, और इसकी रिलीज फसल की आवश्यकता के अनुसार होती है। जबकि जो हम यूरिया डालते हैं तो 1 हफ्ते में सारा जो है वो करीब करीब फसल उपयोग करती है, बाकी छीजन हो जाता है। तो इससे जो पर्यावरण की समस्या आती थी, हवा भी दूषित हो रही है, मिट्टी भी दूषित हो रही है, पानी भी दूषित हो रहा है, और अधिक मात्रा देने से बहुत सारी फसलों में, जो सब्जी वाली आपकी फसलें हैं उसमें जो पत्तियों में नाइट्रेट बहुत हो जाता है, जैसे पालक है, चौराई है, जो पत्ती वाली सब्जियां हैं, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ में यूरिया पर बहुत बड़ी धनराशि गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है। जो यूरिया किसान को 266.50 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से मिलती है उस पर 1,000 से लेकर 2,000 रुपये बोरी तक, समय समय पर ये बदलता रहता है, इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस होती है, जिस आधार पर इम्पोर्टेड यूरिया मिलती है, विदेश से मिलती है, उसी आधार पर सब्सिडी की धनराशि घटती बढ़ती रहती है। तो 1,000 से लेकर 2,000 रुपये बोरी तक सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो उस सब्सिडी का भी बचत होगा। तो भारत सरकार की बहुत बड़ी धनराशि जो यूरिया के उपयोग के लिए किसानों को दिया जाता है उसकी बचत होगी, वायुमंडलीय प्रदूषण से बचत होगी, जल का प्रदूषण जो हो रहा है उससे बचत होगी। साथ में इसके उपयोग करने से गुणवत्ता भी बढ़ रही है, जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा खाद्यान्न दाल तेल जो भी उत्पादित हो रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। ये भी है कि सबसे बड़ा मोटे तौर पर देखें ट्रांसपोर्टेशन वाला, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, इन दोनों में बहुत बड़ी बचत होगी। अभी हमारी जो एक रेक आती है 52,000 बोरी की, तो 52,000 बोरी, तो 52,000 बोतल हमारी एक ट्रक पे आ जाएगी, जो बड़ा वाला ट्रक है उस पे 52,000 बोतल आ जाएगी। तो जहां हमें
एक ट्रक दो ट्रक रखने के लिए 1000 बोरी कहीं रखना है तो भारी भरकम गोदाम की आवश्यकता होती थी बिक्री केंद्र वालों को। अब वहाँ 1000 बोतल केवल रखने के लिए छोटे से उसमें रख लेगा आदमी, कमरे के एक हिस्से में, एक कोने में, और किसान को ले जाने में फ़ायदा है। जहाँ 10 बोरी किसी को ले जाना था ट्रैक्टर ले जाना पड़ता था, अब 10 बोरी आराम से एक झोले में रख के मोटरसाइकिल पर टांग के लेके जा सकता है। इफको नैनो यूरिया इज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, दिस प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट। प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा। नैनो नाइट्रोजन प्रोवाइड नाइट्रोजन इफेक्टिवली टू द प्लांट्स व्हेन स्प्रेड ऑन द प्लांट लीव्स 2 times in the crop season. This nano urea liquid is tested on more than 94 crops in various agriculture universities in farmers field, and today we produced 1 crore bottles in total, which is going to the farmers to increase the crop productivity, reduce the greenhouse gas emission, and improve the agriculture sustainability.